भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी चटर्जी अब देने जा रही है टक्कर दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और वो भी चुनावी मैदान में। जी हां, भोजपुरी क्वीन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो निरहुआ को सीधे सीधे पछाड़ कर रहेंगी। लेकिन ये सारा कुछ माजरा होगा फिल्मों में। जी हां, भले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी जंग का बिगुल बजा चुके हों, और फिल्मी पर्दे पर रानी चटर्जी ने ये जिम्मा थाम लिया है कि अब वो सबसे गद्दावर नेता बनकर दिखाएंगी। हम आपको बता दें कि रानी की आने वाली फिल्म में रानी एक नेता का किरदार निभा रही हैं, एक पॉलिटिकल लेडी का किरदार निभा रही हैं, जो अपने सामाजिक जीवन में किस तरह से अपना स्तर बढ़ाती है, ये पूरी कहानी रानी के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बता दें कि ये राजनेताओं वाला जो कैरेक्टर है रानी चटर्जी को काफी सूट भी कर रहा है। उन पे कॉटन की ये साड़ी, गले में माला, हाथ जोड़े रानी चटर्जी नेताओं वाली स्टाइल कैरी किए हुए हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में रानी का गेटअप लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। और जिसने भी ये गेटअप रानी चटर्जी का देखा, उन्होंने सीधे सीधे यही सवाल किया, क्या रानी जी आप भी पॉलिटिक्स में जा रही हैं? क्या आप भी निरहुआ की तरह बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। रानी इन दिनों बिहार के सासाराम में है और वहीं पे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है। ये रानी के कैरेक्टर की एक झलक है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।